चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद अब इसरो अक्टूबर में अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस मिशन के तहत एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। इस मिशन का मकसद तय करना है कि मानव मिशन के समय ये स्पेस क्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। स्पेस क्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद एक महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। खास बात यह है कि व्योम मित्र इंसानों जैसी सारी एक्टिविटीज कर सकेगी, और अगर रोबोट को भेजने और वापस लाने का मिशन सक्सेसफुल रहा तो भारत 2024 तक अंतरिक्ष में मिशन ह्यूमन लॉन्च करेगा, और इसके तहत स्पेस क्राफ्ट से 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो 7 दिन तक रहेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों को गगन नोट्स कहा जाएगा।